करना जरूरी था क्या? पीपा डे नाम नहीं हम दिखा सकते, वो पर्सन है। पेपर दिखाओ। अच्छा कह रहे थे ऐसे को मत नो। सुबह को मैंने दो बर्थडे सेलिब्रेट किए, एक था मेरी डैश की फ्रेंड का, एक था मेरे फ्रेंड का। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक द न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। अभी टाइम आ रहा है एंड अभी टाइम आ रहा है 10:17। तो अभी जस्ट उठा मैं नींद से, आज मैं कॉलेज नहीं गया क्योंकि कॉलेज आज इम्पोर्टेंट जाना नहीं था, जस्ट नॉर्मल डे, तो इसलिए मैंने आज इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाना। बाकी अभी ये भाई साहब पियेंगे पहले चाय, एंड मैंने कल शाम को लाया था KFC, मैं वही गर्म करूँगा एंड वाला। सो कैसा है तेरा लोकल गरम वाल? पावर ही नहीं है गाइस, मेरे अरमानों को सूर हो गया। ये पर क्या चला है? काम कल है, मैं सुना करना कल है, कल है। देखिए गाइस, इससे पुराना से पुराना बर्तन नया हो जाता है। वैसे पुराने तो है नहीं, बट फिर भी इनको करना पड़ता है एक साल में एक बार। हाँ। चलो यार, बाकी बिले ने भी बच्चे ले लिए अपने, उसने कल शाम को ही ले लिए अपने बच्चे, इनका मतलब खत्म होता है फिर ये निकल जाते हैं। एंड गेस व्हाट, ये बंदा भी आ गया वापस। हाय गाइस, सका दो सका इसे करूं का मुझे क्या सुन गया? तू किधर था? तू किधर था इतने दिनों से? मैं अपने घर था, ये अचानक से गायब हो गया था, तो कल ही आया ना, दो दिन पहले आया। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। ये रहा गाइस KFC। तराटे इतने गरम कर रहे हैं, यही ना गरम करना, मगर शोर हो गया। पता नहीं ये पर दिखाओ। अच्छा कह रहे थे ऐसे को मत नो। चलो ये लो। तो जी ये रहा KFC। अब मैं KFC के साथ पीऊंगा नून चाय। मजाक कर रहा हूँ, KFC खाएंगे अभी। ठीक है, मैंने ये भी ला के रखा था, चिकन भी खा लिया अच्छे से। अभी करते हैं ये बेडशीट ठीक, एंड यहाँ पे कपड़े फैला के थे वो भी मैंने ठीक कर लिए सारे। बस हाँ, थोड़े कमरे की सेटिंग करेंगे, बाकी जब टाइम मिलेगा तो वो स्ट्रिप मेरे को ठीक करना है एंड दिस स्ट्रिप। ओके, स्टार्टिंग में कमरा बनाया था बड़े शौक से, बड़े शान से, मतलब बोलते ना वो शौक था दिल में कि ऐसा कमरा हो मेरा। जिनको नहीं पता पहले मेरा कमरा कैसा था वो मेरे पुराने व्लॉग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर के होता था सारा, ऑरेंज ब्लू ऐसा था। ठीक है, एनीवेज गए जो भी जितना मेरे को लगता है, मेरे को कुछ टाइम बाद ये कमरा स्विच करना पड़ेगा अपने भाई के कमरे में। इसके पीछे रीजन है कि भाई बोल रहा है कि मैं यही रूम पकड़ूंगा। वेल, देते रूम कोई बात नहीं, लेकिन भाई से पैसे भी मांगेंगे उस रूम को रिनोवेट करने के लिए, अदरवाइज मैं नहीं जा रहा। चले गाइस, हो गया बेड भी एकदम ठीक, एकदम चकाचक, बस ये तकिया उठाना है एंड इधर रखना है बस। बाकी कमरा भी एकदम बढ़िया है। आपका इंतजार था, देर लगी आने में उनको, शुक्र है फिर भी आए। ये क्या, ये फूल देना, आधा ही क्यों दिया? जितने दिए इतने दिए। अब पूरा देना, मैंने सारा दिया ना, एक पूरा दे, आधा ही क्यों दे रहे हो? एक मिनट ला जल्दी। एनीवेज गाइस, जितना मेरे को पता है आज मेरे को जाना है डैश के साथ, तो हम पहले जाएंगे इनॉक्स, उसके बाद हम जाएंगे बर्थडे केक लाने। बर्थडे किसका है क्या है वो आप आगे खुद देखोगे। तो फिलहाल होते हैं हम रेडी इनॉक्स के लिए, हम जाएंगे पहले इनॉक्स, हम देखेंगे मूवी जिसका नाम है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वेब, जिसमें अपने इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल ने आवाज दी है, तो मैं उस लिए देख रहा हूँ वरना मैं नहीं देखता। आदि पुरुष 2.0, तुझे पता है सैफ अली खान का रावण कर रहा है? मैं तो बस एक चीज के लिए एक्साइटेड हूँ, वो है शुभमन गिल की वॉइस। हाँ जी दोस्तों, मूवी हमने आधे में ही छोड़ दी एंड हम जा रहे हैं अब लाल चौक।
किसी काम से जो कि मैं आपको बाहर बोलूंगा। वो भी कुछ खास है नहीं, अलबत्ता लोग तो इसकी तारीफ ही कर रहे हैं बट मेरे पल्ले नहीं पड़ी। बाहर बोलूंगा क्या क्या सीन है इसमें। अच्छे लखनऊ में बैठ के हाँ जी दोस्तों, लाल चुकाए थे हम एक काम से, वो काम भी हो गया फिनिश। एक्चुअली मेरे को फ्रेंड के लिए गिफ्ट लाना था, वो मैंने लाया, उसका बर्थडे है आज, तो अभी हम लाएंगे केक, उसके बाद जाएंगे डायरेक्ट केक कट करने। हैप्पी बर्थडे, नाम नहीं हम दिखा सकते, वो पर्सन है थोड़ा। हाँ जी दोस्तों, बर्थडे भी हो गया, अच्छे सेलिब्रेट। अभी हम जाएंगे कुछ खाने। ओके, कहाँ जाना है खाने? ये करना जरूरी था क्या? हाँ चला, कैसे जाना? ये रही गाइस राज कचोरी, आज मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या डलता है इसमें। ये तुझे खुद खाना होगा, ठीक है? एम स्केश नाम से ना गरस राज कचोरी खा। राज कचोरी का मर्डर हो गया है, लेट्स ट्राई गाइस। अगर तुम कशिर छो तो दिल तमला वित कमें तमलो नहीं खाना। तो जी आज मैं चैलेंज लेके आया हूँ एक, इसमें थोड़ा सा स्टिंग बचा है, देख सकते हो ज्यादा नहीं बचा है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ताले भाई को, अगर आप एक घूट में सारा पियोगे। ठीक, स्टिंग है कि और कुछ है? स्टिंग है जी, स्टिंग है कि बेचो या कुछ सारी थिंग चो जल्दी ऐसा पूरे वायरस से चैलेंज। कोच गसन चले गए, जाते हैं प्रेशर देखने, ठीक है? एक्चुअली इनको दिन में नोज ब्लीडिंग हो गई तो प्रेशर चेक करना जरूरी है। पास में ही जाने तो पैदल ही जाते हैं पास। यहाँ से भी सड़क कुछ नहीं डाली है, देखो एकदम बढ़िया रोड बनाया यहाँ से, एकदम क्लियर क्रिस्टल जैसा। सुबेर भाई हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। देखो गाइस कितने लोग आए हैं, सुबेर भाई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5। कैश भाई सुबेर का बर्थडे आ चुका है, मनोज घरे बैठे थे। वेल थैंक यू सो मच बे। अब इस साइड कैड प्रेस बोल रहे इस व्लॉग में मैंने दो बर्थडे सेलिब्रेट किए, एक था मेरी डैश की फ्रेंड का, एक था मेरे फ्रेंड का। एनीवेज यार व्लॉग करते कर करो सारे गाओ यार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बर्थडे के हिसाब से खाना हम दोस्त आए इसी के साथ पहुंच गया मेरा फेवरेट पिज्जा जो कि मैं यहाँ पे रोज खाता हूँ, खाता हूँ ना रोज शिगवा ना, सही मैं खाता हूँ ना। वैसे वो बंदा भी साथ नहीं है, वरना वो भी मेरे साथ होता। एनीवेज भाई वरन जाए शु खाता क्या शु दूसरा को मास घोना है मुक्त दूसरा को मास दूसरा पता सब पता अच्छा सब देख पता सब देख पता सब। केक कट करने के बाद मैंने जुबैर भाई को लाया छोला खाने, हालांकि इसके पैसों से खाएंगे वो अलग सवाल है, लेकिन ये फेमस है भाई यहाँ का, तो खा ट्राई कर ट्राई कर। लो गाइस मेरा भी पहुंच गया, इसी को दे दो पहले, इससे पहले खाया जाना भाई, ट्राई कर। हाँ जी हाँ जी दोस्तों, केक का सीन भी हो गया फिनिश, एंड आई नो व्लॉग लेट आ रहा है, क्या करूँगा इस, मैं भी बिजी रहता हूँ काम में तो टाइम नहीं मिलता व्लॉग के लिए,
बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, दो दिन तीन दिन ही सही बट मैं ट्राई करता हूँ। चलो आप कहीं बाहर जाएंगे, मुंबई, दिल्ली, दिल्ली नहीं, दिल्ली आप स्किप करो फिलहाल, दिल्ली बहुत बार गया हूँ मैं। चलो आप ट्राई करेंगे मुंबई जाने के कुछ टाइम बाद, तो उस दौरान मैं डेली व्लॉग्स डालूंगा, मैं दिन में दो व्लॉग डालूंगा मेरे से जितना हो सके, क्योंकि मुंबई होगी, न्यू जगह होगी, तो वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करने में उतना ही मज़ा आएगा, कंटेंट बनाने में उतना ही मज़ा आएगा जितना स्टार्टिंग में लगता था, निशात दिखाने में, डल गेट दिखाने में। आजकल अगर डल गेट जाते तो कुछ खास नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे इतने व्लॉग्स बने हैं लिटरली के आप अगर चैनल पे आप अगर यूट्यूब पे डल्ले क्लिक होगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे व्लॉग्स निकलेंगे। दैट्स वाई आप इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कहीं जाने का, मुंबई जहाँ भी, मुंबई, गोवा, फिलहाल मेरा प्लान है मुंबई की तरफ, इंशाल्लाह जो भी रहेगा तो आपको दिखाया जाएगा। तो बस फिलहाल आज के व्लॉग के लिए इतना ही रखता है, अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलता है बहुत जल्द किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।